हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज फर्मा कैंड टेक्सल। सर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लाया हूँ ओप्पो F7 का कॉम्बो, जो दिखने में कैसा लगता है, उसका रियल कॉस्ट क्या है। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर रियल कॉस्ट से रिलेटेड वीडियो दिखा सकूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज फर्मा कैंड टेक सोल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आज के लिए भी लाया हूँ, देखिए ये आपको जो टच ग्लास दिख रहा है, ये डैमेज है, यहाँ से पूरा ब्रेक हो गया है। पर ये किस मॉडल का है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मॉडल है ये ओप्पो का है, ओप्पो का F7। ये देखिए, ये ओप्पो का F7 का कॉम्बो है, मतलब इसमें आपको टच और ग्लास दोनों एक साथ है। लेकिन मैं आपको कॉम्बो है इसका पूरा बता दूँ कि कॉम्बो एक किस टाइप का कॉम्बो है। हर कॉम्बो में एक टच अलग होता है और डिस्प्ले अलग होता है। लेकिन जैसे कि इस समय मैं आपको बता दूं कि जैसे सैमसंग के बहुत सारे मॉडलों में कॉम्बो होता है कि डिस्प्ले में ही उससे उसके सारे कनेक्शन होते हैं टच के भी, और बहुत सारे MIUI के सेटों में क्या होता है नॉर्मल कि ये जो ऊपर का जो ग्लास होता है वो कॉम टच अलग होता है, और उसके बाद जो अंदर का ये होता है डिस्प्ले जिसको बोलते हैं वो ग्लास अलग होता है। तो उसमें एक बेल्ट वायर लगा हुआ होता है, तो उससे आपका वीवो में भी इसी तरह के आते हैं बहुत सारे मॉडल, तो उसमें आपको टच लगता है। लेकिन ये जो ओप्पो का F7 कॉम्बो है, इसमें आपका जो ये फ्रेम है नीचे का जो डिस्प्ले पर चीज़ है, उसमें क्या है कि इस बेल्ट वायर के थ्रू, देखिए आपको यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, इस बेल्ट वायर में ही सारा कनेक्शन दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बेल्ट वायर है, इस बेल्ट वायर में ही आपको टच और डिस्प्ले, देखिए यहाँ पे कहीं और कुछ नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ लाइट कनेक्शन यहाँ पर एक दिया हुआ है, लेकिन और कहीं कोई बेल्ट वायर पत्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ये सिंगल पत्ता दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से ये सिंगल पत्ता है, और ये ओप्पो का F7 है। इसी सिंगल पत्ते में ही आपको पूरा डिस्प्ले का और टच का दोनों का कनेक्शन दिया हुआ है। और ये चीज़ जो है ये डैमेज हो गया है F7 का है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका ये टच डैमेज होता है, ऊपर का जो ग्लास डैमेज होता है, तो ये आपका रिमूव करके इसको सेपरेटर मशीन से निकाल करके आपको इसमें फिट करके नया लग जाता है, ग्लास लग जाता है। ये पूरा जो यहाँ से साइड से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये पूरा का पूरा सेपरेटर मशीन से पूरा का पूरा कॉम्बो बाहर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कॉम्बो निकल जाएगा। निकलने के बाद आपका ये पूरा कॉम्बो वर्क में आ जाएगा, यूज़ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल बेल्ट पर है, ये एकदम सिंगल बेल्ट है, ये देखिए इस तरह से, ये एकदम सिंगल बेल्ट पर आपका पूरा का पूरा ये कॉम्बो है। और ऊपर का सिर्फ ये ग्लास होता है, इसका काम सिर्फ मतलब कि सुंदर करने के लिए, मतलब ब्यूटीफुल दिखे मोबाइल, इसके लिए है। और टच जो है आपका अंदर डिस्प्ले में लगा हुआ है, क्योंकि आपका जो फ्रंट ग्लास होता है, इसको हम लोग फ्रंट ग्लास बोलते हैं। बड़े मॉडलों में आजकल फ्रंट ग्लास लगते हैं जो कि गोरिल्ला ग्लास होते हैं, और कंपनियां इतना गोरिल्ला ग्लास बनाती हैं, फिर भी ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि भारत के यूज़र्स का जो है हिसाब किताब थोड़ा सा गलत होता है, मतलब वो केयरलेस होते हैं और वो ढंग से यूज़ नहीं करते हैं बहुत सारे यूज़र्स अपने मोबाइल का, तो गिरता पड़ता रहता है, इसलिए टूट जाता है। यहाँ पर कोई भी गोरिल्ला ग्लास चलता नहीं है पूरे भारत में। तो देखिए सिंगल है, पूरा का पूरा बेल्ट वायर है इस तरह। और उसका एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये तो मान लीजिए आपके पास अगर ओप्पो F7 हो तो आपको पता है कि ये मेरा डिस्प्ले है, इस टाइप का मेरा डिस्प्ले लगेगा, सिंगल पैनल पर है, कहीं कोई टच के लिए कनेक्शन नहीं दिया गया है, इसी वायर डिस्प्ले कनेक्शन में ही है। और इसका मैं आपको एक रियल कॉस्ट भी बता दूं कि अगर आपके पास ओप्पो F7 है और अगर आपका फोल्डर डैमेज हो गया है, अगर आप ग्लास बदलवाते हैं, सिर्फ ऊपर का अलग ग्लास आप बदलवाते हैं, तो वो समथिंग आपका 800 से लेकर 1000 रुपये तक बदल जाएगा। इसके एक कॉपी ग्लास भी आते हैं जो कि 400-500 रुपये में भी बदलते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे ग्लास लगवाने हैं तो लगभग थोड़े से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ग्लास होते हैं कंपनी के, तो मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सिबल ग्लास भी आते हैं जो कि आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं आपको कॉम्बो लगवाना है तो कॉम्बो आपको 1600-1700 रुपये तक अब इस समय लग जाएगा। पहले जब एकदम न्यू आया था तो 2500 रुपये में लगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सेट पुराने होते हैं रेट भी डाउन होता है मार्केट में, तो आप देख सकते हैं ये लग जाएगा आपका, ये आपको मात्र 1600 से लेकर 1800 के बीच में। पहला कॉम्बो जो है मैं 1600 रुपये में आपको लगा दूंगा, और दूसरा कॉम्बो जो है 1800 का लग जाएगा। उसके बाद फिर आपको ओरिजिनल कॉम्बो अगर चाहिए होगा तो सर्विस सेंटर में आप जाइए, वहाँ पे आपको 2500 से 2800 तक लग जाएगा। तो देखिए ये है ओप्पो F7 का कॉम्बो, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्बो है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में इस तरह का कॉम्बो होता है, जाइए लगवाइए,
ज़्यादा महंगा मत दीजिए, 1600 रुपये से आपसे शुरू होगा, उसके बाद आपका मिनिमम 2000 तक जा सकता है। सर्विस चार्ज भी देखिए, बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं ज़्यादा लगवाने जाते हैं तो दुकानदार सर्विस चार्ज भी लेता है, क्योंकि फोल्डर का रेट के बाद इसमें थोड़ा रिस्क होता है यूजर दुकानदार को लगाने का, इसलिए वो कुछ सर्विस चार्ज उनके किसी के 300 होते हैं, किसी के 500 होते हैं। तो देखिए आपके पास ओप्पो का F7 का कॉम्बो होगा, ये इस टाइप का होगा, आप उसे लगाइए, देखिए, पैसा दीजिए, पे करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल अवितेश फोनों का टैक्स सॉल्यूशन देखने के लिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।